मैं रामराज मीना सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इसका लाभ आप जरूर उठा रही होंगी। पूर्व में मैं घनानंद की भक्ति के बारे में चर्चा कर रहा था, आज भी मैं घनानंद की भक्ति के बारे में ही चर्चा करूंगा। पूर्व में मैं घनानंद की परमेश्वर के प्रति अनन्यता तक आपको बता चुका था, आज मैं घनानंद की मथुरा भक्ति की अधिकता और भक्त एवं भगवान की अभिन्नता के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे तो घनानंद ने भक्ति के सभी भेदों का निरूपण किया है, परंतु उनकी सर्वाधिक रुचि माधुर भाव की भक्ति की ओर रही है। इसका मूल कारण उनके हृदय में स्थित विरहानुभूति या प्रणयानुभूति का आधिक्य है, क्योंकि उनकी लौकिक प्रेयसी का उत्कट प्रेम ही उनकी मथुरा भक्ति के में दिव्य भाव ग्रहण करके प्रकट हुआ है और वे उसी प्रणय सिंधु में निमज्जित होकर अपनी अतृप्ति तीव्र लालसा दर्शन की पिपाशा अगाधा स्नेह प्रणय के लिए आदि का वर्णन करते हैं, जिनमें उनकी लौकिक प्रणय वासना ही अलौकिक अपार्थिव एवं आध्यात्मिक होकर मथुरा भक्ति का रूप ग्रहण कर रही है। अपनी इस मथुरा भक्ति में लीन होकर घनानंद अपने प्राण प्यारे के चरणों की धूल पवन से मंगवाकर और उसे आंखों में लगाकर अपनी भैरवता को दूर करने में भावने व्यक्त करते हैं। उदाहरण देखिए, अरे वीर पौन तेरो सबे और गौन बारी तोसो और कौन मन ढर कोई बान दे जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद निधान सुख दान दुखियान दे जान उजियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे अब है अमोही बैठे पीठ पहचान दे बेरे विथा की मूरी आँखिन में राखी पूरी धूर तीनों पायन की हाहा ने खान दे। इस तरह घनानंद के प्रेम में मथुरा भक्ति की अधिकता है। वियोग भाव के साथ साथ घनानंद ने मथुरा भक्ति के संयोग भाव का भी निरूपण अत्यंत रमणीयता के साथ किया है, जिसमें मिलन का महासुख अंकों को बेशुद्ध बना रहा है और रस रंग में पगे हुए सभी स्वाद जागृत हो गए। उदाहरण देखिए, मीत सुजान मिले हु महा सुख अंगनी होई समोई रहो है स्वाद जगे रस रंग पगे अत जानत बेईन जात कहो है देवर एक भयो घुर के घन आनंद शुद्ध समीप लयो है रूप अनूप तरंगन चाहे चौचित चाह प्रवाह बढ़ो है। ये घनानंद की मथुरा भक्ति की अधिकता है। अब एक भक्त एवं भगवान की अनन्यता। घनानंद की भक्ति भावना सबसे अधिक बड़ी विशेषता है कि रात दिन भगवान के प्रेम में निमग्न रहने के कारण उनका और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है, जिससे उन्हें अपनी आत्मा में ही भगवान का साक्षात्कार होने लगता है और माया के कारण जो अभी तक यकिंचित पार्थक्य दिखाई देता था वे पार्थक्य भी सदैव के लिए त्वरित हो जाता है। इसलिए भक्त पुकार उठता है पढ़ने से, अब तुम तब तुम जब तब तुम ही तुम बिन कब हो तुम ही हो ये दूर उघरन कहो कहो ते सीख तुम्हें तुम्हारी सो आप बीच परी नाग और धरी करत अटपटी बातन को आनंद गंध सुजान द्रग तारे लखों ने परत अनोखी को। सारांश ये है कि घनानंद की भक्ति में भगवान के प्रति उत्कट आसक्ति गहन आस्था तीव्र अनुरक्ति असीम श्रद्धा भरी हुई है। घनानंद जितने उच्च कोटि के प्रेमी है उतने ही परमोच्च भक्त भी है। उनकी लौकिक प्रेमाशक्ति ही दिव्य प्रेमाशक्ति में परिणत हो गई है। इसी कारण उनकी भक्ति में राधानुराग भक्ति की प्रबलता है, माधुर्य भाव की प्रधानता है, प्रेममयी व्यक्ति की प्रचुरता है। घनानंद की भक्ति में अभिलाषाध्य के कारण सरसता गई है, ब्रह्मभूति की तीव्रता कारण भाव प्रसन्नता में गुण में वृद्धि हो गई है, अतृप्ति कारण सजीवता गई है, स्नेह अधिक के कारण मार्मिकता गई है और आत्मनिवेदन का प्रधान होने के कारण गहनता गई है। निसंदेह घनानंद की भक्ति परम प्रेम रूपा है
और पुनरा परानुवृत्ति से परिपूर्ण है।